आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। फरीदाबाद जेसी बोस यूनिवर्सिटी में आज मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 50 कंपनी ने हिस्सा लिया है। वही आयोजन ब्रजेश कुमार की माने तो आज मेगा जॉब फेयर का आयोजन जिसमें बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलने का सुनहरा मौका मिलेगा, और इसमें गुड़गांव फरीदाबाद से लगभग 50 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। इस समय हम फरीदाबाद की YMC में मौजूद हैं, जहां RV परफेक्ट ग्रुप की तरफ से जॉब फेयर मेला जो है वो लगाया गया है, जहां 40 से ज़्यादा कंपनियां जो हैं बच्चों को रोज़गार देने के लिए पहुंच रही हैं। पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जहां अलग अलग कंपनियां जो हैं बच्चों को इंटरव्यू ले रही हैं, और इंटरव्यू के आधार पर जो है उन बच्चों को जो है जॉब दी जाएगी और उनका जीवन जो है साकार किया जाएगा। जिस तरीके से लगातार युवा पीढ़ी जो है वो नशे की तरफ आकर्षित हो रही है, और ऐसे में जो युवाओं के पास रोज़गार ना होने की वजह से बच्चे जो हैं वो बेरोज़गार हैं, और ऐसे में आज जो ये मेला लगाया गया है, इस मेले से आखिरकार कितने बच्चों का जीवन जो है वो सुधरेगा और कितने बच्चों को जो है रोज़गार मिल पाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है सबसे पहले आपका? ब्रजेश कुमार है सर। ब्रजेश जी, आज जॉब फेयर मेला लगाया गया है, कितनी कंपनियां जो हैं आप पहुंची हैं और कितने बच्चों को रोज़गार देने का लक्ष्य आपने जो है रखा है? सर, वैसे हमारे यहाँ अभी हमने 50 कंपनियों को बुलाया है, 40 प्लस कंपनी आ चुकी हैं, कुछ कंपनियां मौसम की वजह से डिले हो रही हैं, आ रही हैं। अभी हमारा जो टारगेट है 1000 प्लस बच्चों को रोज़गार देना है यहाँ पे, और अभी हमारे पास एक कॉर्पोरेट आया जिसका मुझे 3000 बच्चे चाहिए जी। तो अब देखते हैं कितना होता है। वैकेंसी तो काफ़ी है हमारे पास, सिविल, मैकेनिकल, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, बैंकिंग, ऑल टाइप की वैकेंसी हैं, और जो पैकेज जो हमारे पास डिसाइड हुआ है 15000 से लेकर के 15 लाख का पैकेज है हमारे पास। अच्छा। हाँ, अब देखते हैं कितने अच्छे कैंडिडेट हैं। हमारा ये अपने तरफ से हमारा ये है कि लोगों को आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो रोज़गार दिया जाए, बाकी कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो बच्चे सबसे पहले यहाँ पहुँच रहे हैं, पहले उनका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, उसके बाद बच्चे जो हैं यहाँ इंटर हो रहे हैं, फिर उनका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के आधार पर उनको जॉब दी जाती है। ये कैंप की अगर बात की जाए, जो मेला आपने लगाया, इससे पहले भी क्या मेला लग चुका है? सर, ये हमारा तीसरा संस्करण है, इससे पहले आपने देखा होगा मैगपाई में हमने लास्ट टाइम किया था, उससे पिछले मैगपाई मैंने किया था, और आगे भी हमारे फ्यूचर में ग्रेटर नोएडा में होने का चांसेस बन रहा है। अभी इसमें क्या होता है कि जो भी कॉर्पोरेट, इसमें कोई चार्जेस नहीं होता है। सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि आप कोई भी कंपनी कहीं की भी हो, आप आ सकते हैं लेकर के, बैठ करके फ्री ऑफ कॉस्ट कैंडिडेट हायर कर सकते हैं। तो मेन मोटो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट रोजगार देना, मतलब कोई चार्ज बच्चों से नहीं लिया जाएगा, कोई चार्जेज नहीं है हमारे यहाँ, और ये अकेडमी के मालिक हैं, जो RV अकेडमी हमारी चलती है। दूसरा एक सवाल आपसे मेरा, कि जिस तरीके से मेला लगाया गया है, जहाँ बच्चे को रोज़गार नहीं है, युवा पीढ़ी नशे की तरफ आकर्षित होती जा रही है, तो ये मेला जो लगाया गया है कितना कारगर साबित होगा उन बच्चों के लिए? सर देखो, वैसे तो नई जनरेशन हो गई है, पहले की तरह नहीं रह गई है, बट ऐसा नहीं है कि सारी जनरेशन ख़राब है। ये डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर, कॉलेज के ऊपर, और वहाँ का इन्वायरमेंट, बच्चा किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, कहाँ से आ रहा है, उसको देखते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने भी इम्प्लीमेंट किया है नया। आपने देखा डिजिटल का ज़माना आ गया है, तो लोग अगर अच्छे की तरफ काम करेंगे तो अच्छा बनेंगे, बुरा करेंगे सर बुरा बनेंगे, ये तो डिपेंड करता है। बिल्कुल। मैडम, आपका नाम सबसे पहले और डेजिग्नेशन? मेरा नाम रिंकू बेसेन है, और मैं RV अकेडमी की मतलब डायरेक्टर कह लीजिए या मैनेजमेंट पार्ट मानते हैं। आज जो जॉब फेयर मेला लगाया गया है, कितना सही मानते हो उन बच्चों के लिए जो बेरोजगार हैं? सर, उनके लिए तो एक गिफ्ट है एक तरीके से, क्योंकि आजकल इतनी आप जानते हैं कि बेरोजगार लोग कितने भटक रहे हैं, उनके लिए जॉब नहीं मिल रही है, या कह लिए कंपनीज को वैसे बच्चे नहीं मिल रहे हैं, ना बच्चों को वैसे जॉब्स मिल रही हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी कंपनीज हैं, कंपनीज़ को भी बच्चे मिल जाएंगे उनके लिए, और बच्चों के लिए भी उनके लायक कंपनीज़ मिल जाएंगी। जो ये कंपनियाँ आई हैं, ये कहाँ कहाँ से कंपनियाँ हैं, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आई हैं, और कितने बच्चों को रोज़गार देने का आप लोगों ने टारगेट रखा है आज? सर, ये कंपनीज दिल्ली NCR की हैं अभी, और ज़्यादातर यहाँ फरीदाबाद की हैं, बाकी दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद इसको कवर किया है, क्योंकि अभी हमने यहाँ का ही टारगेट लिया है कि यहाँ के बच्चों को पहले रोज़गार दिया जाए। बच्चों की अगर बात की जाए, तो कितने बच्चे अब तक पहुँचे हैं, कितने बच्चों को रोज़गार अभी तक दिया गया है? सर, अभी तो ये चल रहा है, अभी कैंडिडेट आ रहे हैं, कंपनीज़ भी अभी कुछ आई हैं, वैसे ऑलमोस्ट कंपनीज 100+ कर रखी है, बट कुछ आ गई हैं और कुछ आ रही हैं, और बच्चे भी अभी कंटिन्यूटी में इंटरव्यू हो रहा है, ये लास्ट में डिसाइड होता है कि कितने बच्चों को रोज़गार दे दिया गया है और कितने बच्चे भी रह गए। मतलब इंटरव्यू के आधार पर बच्चों को नौकरियां दी जा रही हैं, जितने उनकी काबिलियत है? जी सर, बिल्कुल उनके मतलब कंपनी जो इंटरव्यूज ले रही हैं, वो अपने हिसाब से बच्चों को सिलेक्ट करती हैं, उनको जितनी काबिलियत चाहिए उसके हिसाब से बच्चों को सिलेक्ट करती हैं। तो अभी वो लास्ट में हम इन्हें फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कितने बच्चे सिलेक्ट हुए और कितने नहीं हुए। बिल्कुल, देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर बच्चों की अगर बात की जाए, तो काबिलियत के आधार पर जो है बच्चों को रोज़गार देने के लिए जो कंपनियाँ यहाँ पहुँची हैं, वो कंपनियाँ
बच्चों का इंटरव्यू लेती हैं और उसके बाद जो है लास्ट में उनको डिसीजन जो है बच्चों को देना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार फरीदाबाद की अगर खासतौर पर अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में युवा पीढ़ी जो है बेरोजगार है, और ऐसे में जो जॉब फेयर मेला लगाया गया है उनके लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि ऐसे में बच्चों को रोज़गार देने के लिए एकेडमी ने जो है कदम उठाया है और इसे कहीं ना कहीं सराहनीय माना जा सकता है। फरीदाबाद से BBM के लिए जयप्रकाश भाटी।